गरीब की एक काली दो गोरी बेटियां। जूनागढ़ गांव में रहने वाला गजोधर अपनी पत्नी त्रिवेणी और तीन बेटियों साधना, स्नेहा और मेघा के साथ एक कच्चे मकान में बड़ी ही गरीबी में दिन काट रहा था। जहां उसकी दो बेटियां स्नेहा, साधना का रंग बहुत ही गोरा चिट्टा था, वहीं मेघा का रंग बहुत ही काला था। मगर मेघा भले मन की लड़की थी। एक दिन जब तीनों बहनें बाजार की ओर बढ़ रही होती हैं, तभी गांव में रहने वाले रज्जो मेघा के काले रंग पर ताना कसती है। अरे देखो देखो बहनों, दो हंसों के जोड़े के साथ एक काला कौवा चले जा रहा है। रज्जो मौसी, खबरदार, जो आपने मेघा दीदी के रंग की खिल्ली उड़ाई तो मैं छोटे बड़े की दूरी मिटा दूंगी। साधना, तुझे मेरी कसम, घर चल। मेघा अपनी बहन साधना की कलाई खींचकर उसे घर ले आती है, जहां घर की दहलीज में घुसते ही मेघा की आंखें डबडबा जाती हैं। अरे क्या हो गया मेघा बेटी, तेरी आंखें क्यों भीगी हैं? मैं बताती हूँ पिताजी, आज फिर रज्जो मौसी ने दीदी के सांवले रंग पर ताना कसा। वो तो दीदी ने मुझे रोक लिया, वरना मैं उनकी खटिया खड़ी कर देती। साधना के मन में उमड़ा गुस्सा देखकर त्रिवेणी तिलमिलाकर कहती है, अरे किस किस से लड़ती फिरेगी तू साधना, कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि इसका काला रंग कहीं हम गरीबों का गढ़ ढा ना दे। पूरा गांव इसके काले रंग से चलते कुड़कुड़ा रहता है। घर आया रिश्ता भी इसे देखकर दरवाजे से ही पांव उलट फेर लेते हैं। इसका काला रंग तुम दोनों की शादी ब्याह में भी रोड़ा बनकर खड़ा है। लगता है जैसे इसके कारण हम गरीबों के घर गाजा बाजा नहीं बचेगा। अपनी काले रंग पर माँ की बुरी बोली सुनकर मेघा मन ही मन घुटती हुई कहती है, माँ आपको यही चिंता सता रही है ना कि मेरे काले रंग के कारण कहीं मेरी छोटी बहनों की शादी नहीं होगी। मगर मैं अपने काले रंग को अपनी बहनों के बेहतर जीवन के लिए कांटा नहीं बनने दूंगी। आप उनके लिए लड़के देखिए। मेघा अपनी तकलीफ भरे जज्बातों को मन में दबाकर अपनी माँ से ऐसा बोलकर कमरे में चली जाती है। अगले ही दिन से त्रिवेणी साधना के लिए शादी के रिश्ते तलाशने लगती है और एक रोज प्रेमा देवी अपने बेटे आलोक के साथ उनके घर आती हैं। आइए आइए बहन जी, हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है। स्नेहा बेटी, जरा जीजी को बाहर ले आ। माँ की बुलाहट सुनकर स्नेहा अपनी बहन को लेकर बाहर आती है और प्रेमा कहती है, अरे वाह बहन जी, बेटी तो बड़ी रूपवती है। आपकी गोरी चिट्टी रंग पर तीखे गड़े नया नक्श इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। बहन जी, ये बिटिया ही तो हम गरीब माँ बाप के जीवन भर की जमा पूंजी है। इसके सिवा हमारे पास आपको देने को कुछ एक पाई भी नहीं है। अरे ऐसी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, भगवान की दया कृपा से मेरा आलोक महीने का अच्छा खासा कमाता है, सरकारी दफ्तर का काम देखता है। आप तो बस अपनी बिटिया को दो जोड़ी कपड़े में विदा कर दीजिए। अरे ये तो आपका बड़प्पन है बहन जी, वरना आज के जमाने में कौन ऊंचा इंसान किसी गरीब की बेटी का हाथ थामना चाहता है। सो तो है, मगर एक खरा सच ये भी है कि अगर लड़की सुंदर हो तो भाग्य साथ दे ही जाता है, वहीं अगर लड़की काली हो तो गरीब माँ बाप के जीवन में तो अंधेर छा जाता है। अच्छा अब इजाजत दीजिए। इसके बाद प्रेमा अपने बेटे के साथ घर चली जाती है और चौकी के नीचे छिपी मेघा बाहर आकर अपनी बहन को बधाई देती है। मुबारक हो मेरी बहन। अरे ये क्या, तू अभी से ही रोने लगी? मेघा दीदी, ये समाज और विवाह की कैसी प्रथा है जहाँ चारों दिशाओं के काले गोरे का भेद भरा हुआ है। मेघा बेटी, मैं जानता हूँ तेरे दिल पर क्या बीत रही है, मगर तेरा ये गरीब बाप बेटी के हाथों मजबूर है। काश कि कोई तो ऐसा होता जो तेरे बाहरी आवरण को देखने की बजाय मन में झांक पाता कि तू गंगा की धार जैसी सफेद मन रखती है। बाबूजी, अभी रोने का वक्त नहीं, हमें साधना की शादी के लिए पैसे जोड़ने होंगे। आज से मैं भी आपके साथ भट्टी पर काम करूंगी। दीदी, मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी। नहीं मेरी बहन, पहले ही मेरे तन पर काले रंग की कालिक चढ़ चुकी है, जिस कारण मैं माँ पिताजी के कलेजे का कुढ़न बन गई हूँ। अब तू नहीं, मेरे काले रंग पर भट्टी के धुएं और धधक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेघा के मन से अपनी शादी का ख्याल मिट चुका था, मगर उसकी आंखों में अपनी दोनों सुंदर बहनों की डोली उठने का ख्वाब सजा हुआ था। वह मगन होकर दिन भर भट्टी की धधकती आग में ईंट बनाती और अपने पिता की मदद करती। धीरे धीरे गुजरते दिनों के साथ शादी का दिन दस्तक दे गया और जहां पूरे घर में शादी की बधाइयां बज रही थीं, वहीं मेघा घर के पीछे के दालान में बारात और भीड़ से अपना काला रंग लुकोए बैठी थी। कुछ देर बाद साधना की डोली उठ जाती है और सभी मेहमानों के जाने के बाद मेघा बाहर आकर फूट फूट कर रोती है। हे भगवान, ये कैसी दबी कुचली रीत रिवायत है जहाँ एक रंग रिश्तों पर भारी पड़ जाता है। मैं अपनी बहन को गले मिलकर विदाई भी ना दे सकी। अरे कल मुँह ही अपनी बहन का घर बस्ता देखकर तुझे खुशी नहीं हुई क्या, जो उसकी डोली उठते ही अपने काले रंग का राग अलापने बैठ गई। बंद करिए रोना पीटना।
ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं जिसके साथ स्नेहा की भी शादी हो जाती है, मगर मेघा की मुसीबत अभी खत्म नहीं होती। एक भोर जब वह अपने पिता के साथ भट्टी की ओर जा रही थी, तभी दो पड़ोसन उसे देख कर ताने मारती हैं। राम राम राम, सवेरे सवेरे इस नजर बट्टू के दर्शन हो गए, अब तो सारा दिन बेकार बीतेगा। अरे रंग से ही मार खा गई, तभी तो बड़ी बहन मायके में बैठी और छोटी बहन सुंदर थी इसलिए घर बस गया। राम जाने किसकी किस्मत फूटेगी जो काली कमली की कलाई थामेगा। दूर खड़ा अनिल की आंखों में ये सारा मंजर कैद हो जाता है, मगर गांवगढ़ की तानेबाजी गजोधर को तोड़ कर रख देती है, जिसके बाद वह बीमारी का बिछौना धर लेता है और घर की जिम्मेदारी मेघा के कंधे पर आ जाती है। वह हर दिन जात बिरादरी की बुरी बातें सुनकर भट्टी पर आती। ऐसे ही दिन बीतते जाते, मगर बदनसीब मेघा का जीवन भट्टी और अपने गरीब घर के इर्द गिर्द ही नाच रहा था। तभी एक दिन अनिल भट्टी के मालिक हरिशंकर से पूछता है। हाँ जी नमस्ते, मेरा नाम अनिल है, ये लड़की यहीं पे काम करती है। ओह मेघा नाम है बाबूजी उसका, बड़ी ही भोली और भली लड़की है। अपने काले रंग के कारण बिचारी को जात बिरादरी के ताने बाने सुनने पड़ते हैं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है जो इतना सब सुन लेती है। भट्टी के मालिक से मेघा के जीवन की दुखद दास्तां सुनकर अनिल का मन भर जाता है। अगले दिन वह मेघा के घर आता है। जी बाबूजी कहिए, किससे मिलना है? जी नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए ना। अनिल अंदर आकर बैठ जाता है। तभी शाम ढलते मेघा धूल मिट्टी में सनी घर आती है कुछ देर बाद। जी बाबूजी, आपने अपना परिचय नहीं दिया। मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही पोस्टिंग हुई है। मैं मेघा जी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मेघा के कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि अपने काले रंग के कारण अब तक उसने ताने ही सुने थे। साथ ही उसने ये आस भी खो दी थी कि कभी उसकी डोली उठेगी। मगर आप तो अक्ल शक्ल के इतने धनी हैं, फिर आप मुझ जैसी काली लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे हमेशा से तुम जैसी लड़की की खोज थी। मेघा तुम जिस तरह की लड़की हो, मेरा मन तुम्हारी ओर खींचा चला गया। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी मेघा? एकाएक मेघा की आंखें डबडबा जाती हैं और वह हामी भरती है, और आखिरकार गरीब गजोधर की काली बेटी की डोली उठती है, जहां त्रिवेणी कहती है, अपनी माँ को माफ कर देना बेटी, तेरे काले रंग के कारण जात बिरादरी और गांव देहात के ताने बानों ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था, जिसके कारण इस माँ ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। मगर आज मैं तुझे दिल से दुआएं देती हूँ कि तू सदा खुश रहे। इसके बाद मेघा अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाती है। मेघा ने कहां सोचा था कि उस जैसी काली लड़की के किस्मत में अनिल जैसे सुलझे शख्स का साथ लिखा हुआ है। पूरा गांव आज भी इसी सोच में डूबा हुआ है कि आखिर एक काली लड़की की शादी कलेक्टर से कैसे हो सकती है। कड़वा कथन है, मगर ये जाहिल जमाना एक साधारण शख्स को कहां चैन से जीने देता है। जहां वह गरीब इंसान की हंसी उड़ाता है, वहां अमीर की शोहरत को देख जल उठता है। दुर्गा अपने दो बच्चों का, रानी राजू और बूढ़े सास ससुर सुधाकर और सीता के साथ एक फूस की गरीब झोपड़ी में दिन काट रही थी। परिवार के भरण पोषण का भार दुर्गा के कंधे पर सवार था। वो कभी खेतों में खटती तो कभी ईंट की भट्टी में काम करती। शाम ढल गई है, बस रमणीक भाई जी पैसे दे दे। अरे सभी का सभी लाइन में लग जाओ, आज की दिहाड़ी देने का समय हो गया। ये सुनकर सभी मजदूर लाइन में लगकर बारी बारी से पैसे लेकर अपने घरों की ओर अग्रसर हो जाते हैं, और दुर्गा की बारी आती है। ये ले दुर्गा, तेरी आज की दिहाड़ी। रमणीक भाई जी ये तो सिर्फ 100 रुपए है, और मजदूरों की दिहाड़ी तो प्रतिदिन 250 से 300 रुपए है। वाह जी वाह, पैसों का लेखा जोखा तो चट से कर डाला, फिर इतनी डील डॉल काम में तो नहीं दिखाती। दिन भर के बीच सिर्फ 50 ईंट बनाई और पकाई है तूने, तूने उस हिसाब से 100 रुपए ही बनते हैं तेरे। इसे ले और घर का रास्ता धर पकड़, और ज्यादा किलकिल की तो कोई जरूरत नहीं है कल से भट्टी पर आने की। ये सुनकर दुर्गा के कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि ये भट्टी ही गरीब के घर परिवार की भूख मिटाने की एक आखिरी सहारा थी। वो चुपचाप पैसे लेकर घर के लिए निकल पड़ी, जहां उसके कदम बनिए की दुकान पर ठहर गए। बब्बन भाई जरा जल्दी से 2 किलो आटा और पाव भर दाल तोल दो। अरे तुम फिर चली आई उधार राशन खाने? नहीं बब्बन भाई, मैं खाली हाथ नहीं आई, मेरे पास पैसे हैं, ये लो। बब्बन झट से पैसे पर लोमड़ी की तरह लपक पड़ता है। दुर्गा खड़ी होकर राशन तोलने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद, बब्बन भाई तुमने राशन नहीं तोला। लगता है तुमने बोर्ड पर पढ़ा नहीं, आज नकद कल उधार। मगर मैंने तो तुम्हें अभी पैसे दिए थे। अरे वाह, तो पुराने बही खाते में काट लिए 100 का पत्ता, और ले लो राशन, वरना जय राम जी की।
उस गरीब बहू के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी कंजूस बनिए बब्बन ने अपने हाथ खड़े कर लिए। थक हार कर बहू चुच्चे हाथ घर लौट आई। घर के भीतर एक मिट्टी का चूल्हा था और कुछ फीके पुराने राशन के डिब्बे और पुले का बिछावन, जिस पर बूढ़ा ससुर सुधाकर पड़ा हुआ खांस रहा था। माँ, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। स्कूल के मास्टर जी ने कल से स्वेटर पहनकर आने को कहा है। क्या बात है बहू, तेरे माथे पर ये कैसी शिकन छाई है। दुर्गा डबडबाई आंखों से अपनी सास को सारा वाक्या कह सुनाती है और वो ढहक पड़ती है, जिसे जानकर सास अपनी बहू का हौसला अफजाई करते हुए कहती है, बहू चुप हो जा, डिब्बे में थोड़ा बहुत चावल है, मैं सभी के लिए गीले चावल बना देती हूँ। कुछ देर बाद सभी एक साथ मिलकर बांटकर गीले चावल खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके साथ ठंडी हवाएं बर्फबारी में बदल जाती हैं। हाट बाजार में शॉल स्वेटर की खरीदारी के लिए खचाखच भीड़ उमड़ी हुई थी। माँ, आप हमारे लिए स्वेटर कब खरीदोगी? मास्टर जी रोज हमें कक्षा से बाहर खड़ा कर देते हैं। मैं और राजू ठंड में बहुत ठिठुरते हैं माँ। बस बच्चों, एक दो दिन और मैं जल्दी ही स्वेटर खरीद लाऊंगी। दुर्गा अपने दोनों बच्चों को दिलासा देकर स्कूल भेज देती है, मगर किसे खबर थी कि अगले दो दिन के भीतर ही मुर्दों को झकझोर कर रख देने वाली ठंड पड़ने वाली थी। उस रात जब उस गरीब का परिवार सो रहा था, तभी घर के चारों ओर चढ़ी फूस की दीवार और छत ठंडी हवाओं से खिसकने लगी और हवाएं उनके शरीर से टकराने लगी, जिससे सभी के रोएं सिहर उठे। मगर ठंड के मारे राजू और पिंकी जोर जोर से कपकपाने लगे और उनके दांत बजने लगे। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। माँ, मुझे भी कपकपी चढ़ रही है। ए भगवान, इस रात में सियस्ते अंधेरे में तो हम गरीबों पर ये ठंड की बिजुरी क्यों ढा रहा है? सीता, मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, लगता है ये जाड़ा मुझे ले डूबेगा। अरे बिरजू के बाबूजी, ऐसा ना कहो तुम। दुर्गा बिना देरी किए बाहर से लकड़ियां बीन बटोर कर आग जलाती है, जिससे उनके शरीर में गर्माहट लौट आती है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। बहू, कल रात तो जैसे तैसे कट गई, मगर आज का क्या? माँ जी चिंता मत कीजिए, आज मैं सभी के लिए स्वेटर ले आऊंगी। मगर कैसे बहू, दिन भर की खटकनी के बाद तुझे जो 150 मिलते हैं वो तो पेट की आग बुझाने में ही खर्च हो जाते हैं, और फिर ये सस्ताई का जमाना थोड़े ही है, बाजार में महंगाई की मार है, कहाँ से लाएगी स्वेटर? दुर्गा बिना कोई जवाब दिए काम पर चली आती है। तभी उसे एक बंद शटर के बाहर जूट की बोरियों की ढेरी दिखाई देती है, जिसे देख कर उसकी आंखों में स्वेटर बनाने के लिए आस उजागर हो जाती है। मैं इस जूट की बोरियों से अपने गरीब परिवार के लिए गर्म स्वेटर सी सकती हूँ, इससे पहले कि कोई इसे उठा ले जाए, मैं इसे ले लेती हूँ। दुर्गा ठंड में ठिठुरती हुई उन बोरियों को लेकर घर चली आती है और उसे काट छाट कर एक सुंदर सा स्वेटर सी देती है। उस बोरी के स्वेटर को देखकर राजू बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये बोरी का स्वेटर कितना सुंदर है, ऐसा स्वेटर तो पूरे बाजार में खोजने से भी नहीं मिलेगा। अब जल्दी से मेरे लिए बिग बोरी का स्वेटर सी दो, मुझे भी अनोखा स्वेटर पहनना है। हाँ रानी बिटिया, बस मुझे थोड़ी देर दे। फिर दुर्गा दूसरी जूट की बोरी से स्वेटर का आकार काटकर उसे बारीकी से सी देती है, जिसे देखकर रानी खुश होकर झट से वो स्वेटर पहन लेती है और उस बोरी की बढ़ चढ़ कर बड़ाई करती है। माँ, ये बोरी का स्वेटर तो बहुत गर्माहट दे रहा है, देखो अब ठंड से हमारी कपकपी भी नहीं छूट रही। अपने बच्चों की आंखों में छिटकी बोरी के स्वेटर की खुशी देखकर वह बेबस मजबूर माँ का बिखरा मन एक बड़े बल से भर जाता है, जिसके बाद वह बूढ़े सास और ससुर के लिए भी जूट की बोरी का स्वेटर सीती है, जिसे पहनकर सुधाकर और सीता बोलते हैं, बहू मैंने तो आस ही खो दी थी कि इस बरस की सर्दी से बच सकूंगा, मगर ये बोरी का बना स्वेटर बर्फीली हवाओं से बचाव दे रहा है। अजी, हम जैसे गरीबों के लिए तो यही लाखों रुपए का स्वेटर है, क्योंकि इसके ओहार में सर्दी की टिटुरन मिट रही है, और क्या चाहिए। जहां एक ओर वह बोरी का स्वेटर उस गरीब परिवार का ठंड से बचाव कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर गरीब बहू का बनाया बोरी का स्वेटर लोगों के बीच बहुतेरी प्रसिद्धि बटोरता है। बहुत से लोग बोरी के स्वेटर बनाने के लिए उस गरीब परिवार की चौखट तक आ पहुंचे। अरे पारो दीदी, आप मेरे घर कोई काम था क्या? हाँ, ऐसा ही एक बोरी का स्वेटर सिलाने के लिए आई हूँ। दुर्गा बहन, क्या गजब का बोरी का स्वेटर सिया है तूने, ऐसा ही दो बोरी का स्वेटर मेरा और मेरी बेटी के लिए सी, तो मैं तुम्हें पूरा पूरा मेहनताना दूंगी।
दुर्गा ये मौका अपने हाथ से कैसे गवा सकती थी, क्योंकि एक अरसे बाद उसे गरीबी के गड्ढे से बाहर उभरने की उम्मीद दिखी थी। उसने झट से हामी भरी और पारो के लिए एक सुंदर सा बोरी का स्वेटर सीकर उसे दे दिया। बदले में उसे अच्छा मेहनताना मिला। उस दिन के बाद से उसे फिर कभी पीछे मुड़कर देखना ना पड़ा। वह दिन दूनी रात चौगनी की चढ़ाई चढ़ती गई और आखिर में वह गरीब के गढ़ को ढाने में सफल हो गई, जिसका श्रेय उस गरीब के हाथों के हुनर का है जिससे उसने बोरी का स्वेटर सिला था। एक गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहती थी। सुशीला बहुत ही गरीब थी और उसकी 5 बेटियां थी। वो कूड़ा कचरा बीन कर अपने घर का गुजारा करती थी, जिसके चलते गांव के कई लोग उसे कई सारे ताने भी सुनाया करते थे। सुशीला हाथ में बोरा लिए कूड़े के ढेर के पास कचरा बीन रही होती है। हे भगवान, देखो जरा इस मनहूस को, जहां देखो कचरा बीनती रहती है। ऐसी औरतों को तो इस गांव से निकाल ही देना चाहिए। अरे ये औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है, कलंक। हाँ हाँ, इसे निकाल दो इस गांव से, इसने हमारे पूरे गांव का नाम बदनाम कर रखा है। उनकी ऐसी बातें सुनकर सुशीला उन सभी से कहती है, आखिर तुम लोगों को मुझसे दिक्कत क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जो तू काम करती है, इसे औरत जात की बेइज्जती होती है और हम नहीं चाहते कि तू ऐसा काम हमारे गांव में करे। जिस काम से मेरे परिवार की भूख मिटती है, वो काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब तो कूड़ा कचरा बीनकर अपने परिवार की भलाई करेगी। अरे तेरे सर पर तेरी 5 बेटियां बैठी है, उनकी शादी क्या कूड़ा कचरा बीनकर करेगी? मेरे लिए कूड़ा कचरा बीनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे तो हमारा पर्यावरण ही साफ होता है। लोगों की बातों को नजरअंदाज करती है और कूड़ा कचरा बीनना शुरू कर देती है। शाम को जब वो वापस घर की तरफ लौटती है तो वो अपने मन ही मन में सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों की जिंदगी ऐसी गरीबी में बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उनके शादी अच्छे घर में करूंगी, ताकि उन्हें मेरी तरह कूड़ा कचरा बीनकर अपनी जिंदगी गुजारनी ना पड़े। सुशीला रोते रोते अपने घर पहुंच जाती है। उसकी यह हालत देखकर उसकी 5 बेटियां उससे कहती है, माँ आपको ये क्या हुआ है? आज आपका चेहरा भी उतरा हुआ है। माँ क्या आप रोकर आ रही हो? फिर से किसी ने कुछ कहा था क्या आपको? नहीं मेरी बच्चियों, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। माँ आप हमसे सब कुछ छुपा सकती हो, लेकिन अपने आंसुओं को नहीं छुपा सकती। माँ मैं जानती हूँ कि आज भी आपको गांव वालों ने जलीकटी बातें सुनाई होगी, लेकिन आप हमारे लिए इतनी परेशानी और इतने कष्ट क्यों झेल रही हो, जबकि हम आपकी असली बेटियां भी नहीं है। हम जानते हैं कि आप हमारी अच्छी परवरिश और शादी के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, आप क्यों एक वादे को पूरा करने के लिए इतना सहन कर रही हो? माँ अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम मेरी बेटियां हो, चाहे बेशक पराई हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटियां ही माना है। और मैंने अपनी बड़ी बहन को वादा किया था कि मैं तुम 5 की शादी अच्छे घराने में करूंगी, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। सुशीला की बात सुनने के बाद उसकी 5 बेटियां उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो सभी खाना खाना शुरू करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर से सुशीला एक सफेद कलर का बोरा हाथ में ले लेती है और पंडित के पास पहुंच जाती है। पंडित जी, मैंने आपको अपनी बेटियों की कुंडलियां दी थी, आपने उसके योग्य कोई लड़के ढूंढे हैं क्या? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को, एक माँ के लिए अपनी बेटियों का अच्छा सोचना बनता है, लेकिन तुम समाज के लोगों को तो जानती ही हो, वो अपने बेटों की शादी कूड़ा कचरा बीनने वाली से कभी नहीं करेंगे। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। ऐसा कहने के बाद सुशीला वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो रेड लाइट पर जाकर कूड़ा कचरा बीनना शुरू कर देती है। तभी वहां पर एक बहुत तेजी से कार आती है, जिसके चलते बेचारी सुशीला के ऊपर कीचड़ उछलाती है। हे भगवान, ये अमीरजादे कितने बदतमीज होते हैं, इन्हें ये तक नहीं दिखाई देता कि इनकी कार के आसपास और भी लोग खड़े होते हैं। इन्हें तो बस अपनी ही मौज मस्ती में कार चलानी होती है। सुशीला के सारे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, वो फिर भी कूड़ा कचरा बीनती रहती है। तभी वहां से कुछ औरतें गुजरती है। ये औरत अभी तक हमारे गांव में कूड़ा कचरा बीन रही है, बेचारी
ऊपर कार की वजह से कीचड़ उछल गई। अरे इसकी इज्जत पर भी इसी प्रकार कूड़ा कचरे बीनने की वजह से कीचड़ के दाग लगे हैं। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी ये बकवास सुनना नहीं चाहती। अगर दोबारा एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुशीला के चिल्लाने पर वो दोनों वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद सुशीला कचरा बीनते बीनते एक कूड़े खत्ते के पास पहुंच जाती है, जहां उसे ढेर सारा कूड़ा नजर आता है। वहीं उसको कूड़े के अंदर एक बैग भी दिखता है। अरे ये बैग तो साफ सुथरा और मजबूत लगता है, मेरी पांचों बेटियों में से किसी को तो ये बैग पसंद आ ही जाएगा, इसे मैं आज घर लेकर चलती हूँ। कूड़ा बीनने के बाद सुशीला सबसे पहले कबाड़ी के पास पहुंच जाती है और अपना सारा कूड़ा कचरा उसे बेच देती है। कबाड़ी वाला सुशीला को 100 रुपए दे देता है, जिसके बाद सुशीला पैसे और बैग लेकर घर वापस आ जाती है। अरे सेजल, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। सेजल बैग देखकर बहुत खुश होती है। वाह माँ, आप मेरे लिए बैग लेकर आई हो, मेरा बैग वैसे भी फट गया था। सेजल जैसे ही बैग खोलकर देखती है, उसके अंदर बहुत सारे नोटों की गड्डियां होती है। माँ जरा देखो तो सही, इस बैग के अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। सुशीला इतने सारे पैसे देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद सुशीला अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, ये सब ऊपर वाले की ही कृपा है, लगता है उसने हमारे दिन बदल दिए। अब मैं अपनी बेटियों की शादी अच्छे घर परिवार में करूंगी। सुशीला उन पैसों से अपने और अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा सा मकान बनाती है, जिसमें वो अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। कुछ पैसों से वो अपनी मिठाई की एक दुकान भी खोलती है, जिसके चलते वो अच्छा खासा कमाने लगती है। चंद महीनों में वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है। सुशीला अपनी 5 बेटियों के लिए सरकारी नौकरी वाले लड़के ढूंढती है, जिनसे उनकी शादी कर देती है। देखा मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे पता था एक ना एक दिन मैं तुम्हारी शादी अच्छे घरों में जरूर करूंगी। आखिरकार भगवान ने भी तो मेरा साथ दिया है। हाँ माँ, आपने हमारी जिंदगी बदल दी, ऐसी जिंदगी तो हमने कभी सोची भी नहीं थी। माँ वैसे तो मुझे किस्मत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, लेकिन आपने हमारी किस्मत के सितारे चमका दिए, इन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब दुनिया वालों को कहना चाहिए कि एक कचरे वाली ने अपनी 5 बेटियों की शादी अपने बलबूते पर करवाई है, जिसमें भगवान ने उसका साथ दिया है। हम सभी की शादी गरीब लोगों को एक हौसला देगी कि गरीब लोग भी अच्छे घरों में शादी कर सकते हैं। माँ आप हमारे लिए एक हीरा हो, हीरा। ऐसा कहने के बाद वो पांचों बहनें मिलकर अपनी माँ को गले से लगा लेती हैं। तभी वहाँ पर सुशीला के मोहल्ले वाले आ जाते हैं। तुमने अपनी बेटियों की शादी इतने अच्छे घरों में की है कि मैं बता नहीं सकती। हमने तुम्हें जो भी कहा उसके लिए हमें माफ कर देना। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना सुशीला बहन। सुशीला सबको माफ कर देती है और उन लोगों के साथ अपनी 5 बेटियों की शादी में बहुत एंजॉय करती है। वो अपनी 5 बेटियों की विदाई कर देती है। शादी के बाद उनकी 5 बेटियां अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहने लगती है, जिसके चलते सुशीला भी बहुत खुशी खुशी अपनी मिठाई की दुकान चलाने लगती है। गाँव के सभी लोग अब उसी से मिठाइयाँ खरीदने लगते हैं। जितेंद्र अपने काम पर से सीधा अपने घर पर पहुंचता है। जैसे ही वो हारा थका आकर अपने सोफे के ऊपर बैठता है, उसका बेटा रोहन और उसकी बेटी ऐश्वर्या उसके पास आती हैं और उससे कहती है, पिताजी पिताजी आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो? ओहो बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए लाना ही भूल गया। ये लो, तुम पैसे रख लो और इससे जो चाहे वो चीज खरीद कर खा लेना। ऐश्वर्या पैसे लेकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद रोहन भी अपने पिता जितेंद्र से पैसे लेता है और चीज खाने के लिए चला जाता है। उन्हें पैसे लेते हुए देख जितेंद्र के बड़े भाई उमेश के दोनों बच्चे राधा और राजू भी जितेंद्र के पास आकर उससे कहते हैं, चाचा जी मुझे भी कुछ अच्छा खाने का मन है, क्या आप मुझे भी पैसे दे दोगे? चाचा जी मुझे भी थोड़े से पैसे दे देना, मैं भी चीज खा लूंगा। अच्छा तो तुम्हें पैसे चाहिए? अरे तुम्हारा बाप मरने से पहले यहाँ पर क्या पैसे देकर गया था? चले जाओ यहाँ से और मेरी आंखों के सामने भी मत आना। जितेंद्र ऐसा कहकर उन दोनों को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद अनीता जितेंद्र के पास आती है और उससे कहती है, अरे आपने इन दोनों बेचारे बच्चों को अपने पास से भगा क्यों दिया? ये भी तो आपके बड़े भाई के ही बच्चे हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ, क्या मैं इन दोनों को पाल नहीं रहा हूँ? अरे इन्हें 2 वक्त की रोटी इस घर के अंदर मिल रही है, तो क्या ये चुपचाप 2 वक्त की रोटी खा नहीं सकते?
अनीता जितेंद्र की बातें सुनकर शांत हो जाती है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने काम करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रोहन और ऐश्वर्या दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिताजी पिताजी, आज हमें स्कूल के लिए काफी देर हो गई है और हमारी बस भी निकल गई है, आप हम दोनों को स्कूल छोड़ाओ। अगर मुझे स्कूल में लेट हो गए तो टीचर हमें बहुत डांटेंगे, प्लीज पिताजी हमें स्कूल छोड़ाओ। अरे इसमें बोलने की क्या बात है, तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें स्कूल क्यों नहीं छोड़ने जाऊंगा, चलो मेरे साथ बाइक पर बैठ जाओ। जितेंद्र अपने दोनों बच्चों को बाइक पर बिठा लेता है, जिसके बाद राधा और राजू जितेंद्र से कहते हैं, चाचा जी हमें भी स्कूल पढ़ने का बहुत मन है, आप हमें भी स्कूल में दाखिला दिलवा दो ना। हाँ चाचा जी, मैं भी पढ़ लिख कर आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम दोनों को मेरे लिए कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ पढ़ाई पढ़ाई छोड़ो, घर के कामों में अपना ध्यान लगाओ। ऐसा कहकर जितेंद्र अपने दोनों बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच जाता है, जिसके बाद वो वहीं से अपने ऑफिस के लिए भी निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनीता राजू और राधा को लेकर एक सरकारी स्कूल में पहुंच जाती है और वहां उन दोनों का दाखिला करवा देती है। ये एक सरकारी स्कूल बेशक है, लेकिन तुम दोनों को यहाँ से अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है ताकि तुम अपने फ्यूचर में कुछ बन सको। चाची मैं आपको जब भी देखती हूँ मुझे अपनी माँ की याद आती है, आज अगर माँ जिंदा होती तो वो आपको देखकर बहुत खुश होती। पता नहीं क्यों चाचा जी हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, आखिर हमारा कसूर क्या है और हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। राजू की बात सुनकर अनीता सोच में पड़ जाती है और वो अपने मुंह ही मुंह में कहती है, अपने बेटा बेटी तो अपने ही होते हैं और दूसरे के बेटा बेटी दूसरे के ही होते हैं, सारी बात बस यहीं तक सीमित है। अगर तुम्हारे चाचा जी इस बात को सही से समझें तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती, लेकिन तुम चिंता मत करो, जो भी तुम्हारी ख्वाहिश होगी मैं जरूर पूरी करूंगी। अनीता अपने दोनों बच्चों के साथ साथ अपने जेठ और जेठानी के दोनों बच्चों को बराबर प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र केवल अपने ही बच्चों को प्यार करता है और अपने बड़े भाई के बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। देखते ही देखते अब वो चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिसके बाद ऐश्वर्या और रोहन दोनों अपने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राधा और राजू पार्ट टाइम नौकरी करके अपने कॉलेज की फीस का जुगाड़ करते हैं, लेकिन इतने सालों में जितेंद्र का बर्ताव उनके प्रति जरा भी नहीं बदलता। एक दिन अनीता जितेंद्र से कहती है, सुनिए जी राधिका की अब उम्र हो गई है, हमें उसके लिए लड़का ढूंढ लेना चाहिए। अरे मैं क्यों उस लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढूं, मैं तो उसकी शादी किसी राह चलते गरीब फकीर से करवा दूंगा ताकि मुझे इसकी शादी में कोई खर्चा न करना पड़े। आप ये कैसी बातें कर रहे हो, राधा भी तो आप ही की बेटी की तरह है, अब उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। देखो अनीता, मेरा एक ही बेटा और एक ही बेटी है और मैं सब कुछ उन्हीं के लिए करूंगा, और राधा और राजू मेरा खून थोड़े हैं जो मैं उनके लिए कुछ करूं। ऐसा कहकर जितेंद्र वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजू और राधा दोनों भाई बहन अपने चाचा की ये बातें सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं। तभी अनीता उनके पास आकर उनसे कहती है, तुम दोनों अपने चाचा की बातों का बुरा मत मानो, उनकी तो आदत है मजाक करने की, तुम इन बातों को दिल पर मत लेना। आप चिंता मत कीजिए चाची, मैं अपनी बहन राधा की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा और एक अच्छे से घर में करूंगा ताकि वो जिंदगी में कभी दुखी न रहे। राजू की इस बात पर अनीता उसे शाबाशी देती है, जिसके बाद में उन दोनों को खाना खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या रोहन तो हमेशा जितेंद्र से पैसा लिया करते और उसके पैसे को बर्बाद करते। अरे यार रोहन भाई, मेरे पास पैसे नहीं बचे, अब हम दोनों डिस्को कैसे जाएंगे। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, हमारे पिता हमें डिस्को जाने के लिए पैसे जरूर देंगे। रोहन और ऐश्वर्या दोनों अपने पिता जितेंद्र से पैसे मांग लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों डिस्को में एंजॉय करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही रोहन और ऐश्वर्या जितेंद्र का बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद किया करते थे। कुछ ही समय बाद जितेंद्र की अचानक से नौकरी छूट जाती है और वो घर में बैठ जाता है। अब ये घर कैसे चलेगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं इस घर को संभाल सकूं। चाचा जी हमारे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर आपकी नौकरी छूट गई तो क्या हुआ, हम अपनी पार्ट टाइम की नौकरी करके इस घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेंगे। हाँ चाचा जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस अच्छे से आराम कीजिए। राजू और राधा अपनी तनख्वाह में से घर के सभी खर्चे चलाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या और रोहन अपने पिता जितेंद्र के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे पिताजी मुझे 20,000 रुपए दे दो, मुझे गोवा के ट्रिप पर जाना है। अरे बेटा मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा, मेरी तो नौकरी भी छूट गई है। क्या कहा,
आप हमें पैसे नहीं दे सकते? अरे जब पालना बस का नहीं था तो हमें पैदा ही क्यों किया? रोहन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? अरे आपने हमारे लिए आज तक किया ही क्या है? इससे अच्छा तो आपने हमें पैदा ही ना किया होता। देखो पिताजी, मैं नहीं जानता आप मेरे पिताजी हो, इसलिए आपको मुझे पैसे देने का पूरा फर्ज बनता है। आप हमारी मांगे पूरी करो और हमें यहाँ से जाने दो। अरे तुम दोनों मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। पैसे होते तो हमारे घर में इतनी दिक्कत नहीं आती। अगर आप हमें पैसे नहीं दे सकते तो मर क्यों नहीं जाते? हमें ऐसा बाप ही नहीं चाहिए जो हमारे शौक पूरे ना कर सके। ऐश्वर्या अपने भाई रोहन के साथ वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर अनीता जितेंद्र से कहती है, देखा, इतने समय से अपने जिन औलाद को अपने सीने से लगा कर रखा आपने, आज वह आपको मरने का ताना देकर चली गई। तुमने सही कहा, जिन बेटा बेटी को मैंने कलेजे से लगा कर रखा, आज उन्होंने मेरी मुझे औकात दिखा दी, और जिन बेटा बेटी को मैंने हमेशा पराया समझा, मेरे बुरे वक्त में उन्होंने ही मेरा साथ दिया। राजू और राधा, आओ मेरे पास आओ। जितेंद्र उस दिन राजू राधा को गले से लगाता है और उनसे माफी मांगता है। उस दिन के बाद से राजू और राधा दोनों जितेंद्र के साथ एक बेटा और बेटी की तरह रहने लगते हैं, और वो दोनों घर की सभी जिम्मेदारियों को साथ साथ अपने चाचा की भी जिम्मेदारियों को अच्छे से उठा लेते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। शाम का सूरज बादलों की गोद में समाने को था, बावजूद इसके वो गरीब बनिहारन बहू खेतों में फसल की कटाई कर रही थी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ती है, अरे ओ रज्जू की बहू, घर नहीं चलना क्या? एक भोर से भूखे प्यासे खेत में खटनी कर रही है, देख अंधेरा होने को है। बस मंदा मौसी, आई। अरे जल्दी कर रज्जू की बहुरिया, हर्षु बोल गया है कि मेहनताना खेत के मालिक के द्वार पर ही मिलेगा। गरिमा खेत का काम निपटा कर पैसे लेने निकल पड़ती है। ये ले गरिमा, तेरी दिन भर की दिहाड़ी। जगनलाल काका, आपने मुझे भूल चूक से 500 रुपए दे दिए, मेरी मजदूरी तो 200 है। अरे रख ले बहू, आज तूने दोहरी मेहनत जो की है। शुक्रिया काका। पैसे लेकर वो गरीब बहू राशन पानी का हिसाब किताब करते हुए घर की ओर कदम बढ़ाते हुए बोलती है, दाल चावल खरीदने के बाद मेरे पास थोड़ा पैसा बच जाएगा, इसे बचा लूंगी। कब की घड़ी कैसी। कुछ दूर चलने के बाद उसके पांव एक पुराने घर के भीतर आकर रुकते हैं, जहां कुर्सी पर बूढ़ा अपाहिज ससुर बैठा था। वहीं दूसरी तरफ खटिए पर बीमार पड़ी सास जोर जोर से खांस रही थी। उसके बगल में बैठी निकिता की आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। निकिता, क्या हुआ सासू माँ को? पता नहीं भाभी, माँ ने सुबह से एक अन्ने का दाना नहीं खाया। निकी, रो मत, मैं खाना बनाकर खुद माँ जी को खिलाऊंगी, ठीक है? तुम चुप हो जाओ। गरिमा झटपट से चूल्हे पर दाल चावल बनाकर अपने ससुर को खाना परोसने ही जा रही होती है कि नशे में चूर उसका पति प्रीतम घर में घुसता है। उसके मुंह से शराब का भपका उठ रहा था, आंखें लाल पड़ी हुई थी। पीले पीले ओ मोरी रानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। आज फिर तू नशे में चूर होकर आया है निकम्मे, अरे बेशरम कुछ तो शर्म कर। अरे जवान बहन घर में बैठी है और तेरे रहते बहू जाकर काम कर रही है, हमें खिलाने के लिए जमींदारों के खेतों में खटती रहती है। तुझ जैसी नकारे औलाद से तो बेहतर होता कि हम बे औलाद रहते। ए बापू, ए खाली मेरी माथा गरम मत कर मेरा, वरना प्रीतम के हाथों तू पिट जाएगा। होश में तो हो, ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? क्यों पीते हो इतनी शराब? शराब के नशे में तुम्हें सचमुच में निकम्मा बना दिया है। ये सुनकर नशे में तमतमाया हुआ प्रीतम ताव में आकर उसे खूब मारता है। तभी उसकी नजर बिस्तर पर रखे पैसों पर घूम जाती है। हो गई मेरी बाटली का जुगाड़, शुक्रिया। नहीं, वो पैसे मत ले जाओ। चल हट साले। प्रीतम अपने पैर झड़प कर जख्मी गरिमा को दूर फेंक देता है। तभी राजी छटपटाते हुए अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू जल्दी से मेरे पास आ, मेरे पास समय नहीं है। ऐसा ना कहिए माँ जी, अपनी बहू को थोड़ा समय दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। जानती हूँ, मगर तेरी सास का समय अब पूरा हो गया है,
मैं अपनी बेटी को उसकी भाभी के भरोसे पर छोड़कर जा रही हूँ। अब तुझे अपनी ननद के लिए इस माँ की जिम्मेदारी निभानी होगी। बोल बहू, तू मेरी बेटी का घर बसाएगी ना? हाँ माँ जी, ये भाभी अपनी ननद की शादी का भार उठाएगी। इसी के साथ रज्जो दुख भरी दुनिया से चली जाती है। दो दिन बाद एक बार फिर प्रीतम घर आता है। भैया तुम निकल जाओ इस घर से, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। खामोश खड़ी रह नालायक, अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? तुझे तो मैं बताता हूँ। जैसे ही प्रीतम अपनी बहन को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है, गरिमा उसका हाथ रोककर घर से निकालते हुए कहती है, आज से इस परिवार का तुम जैसे पियक्कड़ से कोई वास्ता नहीं। ये भाभी अपनी ननद और ससुर का भार अकेले उठाएगी। उस गरीब बहू ने अपने सास को दिए वचन को अपने मन की पट्टियों पर लिख दिया था। उसके मन में सिर्फ ननद की शादी की जिम्मेदारी सवार थी। वो भोर के साथ उठकर घर में बहू का फर्ज पूरा करके सारा दिन खेतों में खून पसीना बहाकर काम करती थी। और फिर एक दिन, निकिता ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ठीक है भाभी। भाभी के कहने पर निकिता जल्दी से तैयार हो जाती है। तभी नालंदा और रूपचंद अपने बेटे के साथ चलकर वहाँ आते हैं। आइए, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। ये मेरे ससुर जी है। नमस्ते बहन जी, अरे बैठिए ना। मैं निकिता को लेकर आती हूँ। गरिमा निकिता को लेकर लड़के वालों के सामने आती है, जहाँ निकिता उन्हें चाय नाश्ता परोसती है। तभी नालंदा अपने पति रूपचंद के कानों में फुसफुसाती है, ये मेहमान नवाजी तो चलती रहेगी, अब जरा मुद्दे की बात कर ली जाए। देखो बेटी, वैसे तो हमें ये सौदा मंजूर है, मगर इस गरीबी में तुम अपनी ननद की शादी में दान दहेज दे पाओगी? रूपचंद जी, ये भाभी अपनी ननद का हाथ आपके बेटे के हाथों में दे रही है, इससे बड़ा दहेज और क्या होगा? बहन जी, इस बदनसीब भाभी के कंधों पर पहले ही ससुर और ननद की भूख मिटाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में ननद का ब्याह करना ही भारी पड़ रहा है, ऊपर से दहेज की भारी भरकम बोझ का भार कैसे उठाएगी मेरी गरीब बहू? नहीं बाबूजी, ये भाभी दहेज देगी, मुझे मंजूर है। ठीक है, आज से दो महीनों बाद बारात लेकर आएंगे, चलते हैं। लड़के वालों के जाते ही निकिता कहती है, भाभी आपने हामी क्यों भरी? दो महीनों में कहां से आएंगे इतने पैसे? अपनी भाभी पर भरोसा रखो निकिता। गरिमा को भले अपनी रातों की नींद ही क्यों ना झोंकनी पड़े, मगर तुम्हारी डोली तय की तारीख पर ही उठेगी। रात का अंधियारा छटते ही वो गरीब भाभी भोर की पहली किरण के साथ ही घर की जिम्मेदारी पूरी करके जगलाल के पास आती है। जय राम जी की काका, कुछ दिनों बाद मेरी ननद की शादी है। सिर्फ फसल की कटौती से बात नहीं बनेगी, आज से मैं पूरे खेत का भाग काटूंगी। मगर ये इतना आसान नहीं है, चार लोगों का काम तू अकेले कैसे करेगी? हाँ काका, बस बदले में आप चार जन की दिहाड़ी मुझे देना। गरीब लाचार भाभी सारा दिन भूखे प्यासे फसल काटती है। उसकी आंखों के आगे ननद की शादी की छवि नाच रही थी। वो कभी भट्टी ईंट ढोती तो कभी मजदूरी करती। दो महीने बाद शादी में 3 दिन ही बच गए हैं। दिन रात जी तोड़ मेहनत करके भी लगभग 3 लाख की रकम जुड़ी है। अभी तो शादी का मड़वा बनाना बाकी है, गांव और बारातियों को भोज भी खिलाना है। हे भगवान, इस गरीब भाभी की लाज रखना, ये सब कैसे होगा? क्यों ना मैं अपने कन्यादान वाले गहनों का सोना पिघलाकर चेन अंगूठी गड़वा दूं और कुछ पैसे मायके से मांग लेती हूँ, और बची बात ब्याह के मंडवे की, तो अपनी ननद के शादी का मंडप ये भाभी अपने हाथों से बनाएगी। अगली भोर गरिमा जंगल से बांस के बड़े बड़े 4 डंडे काटकर शादी का मंडप बनाती है और शादी के दिन तक भूखे प्यासे दहेज का सामान जोड़ती है। साथ ही घर को सजाती है और शादी की शाम अपनी दुल्हन बनी ननद को निहारती हुए कहती है, इस दुल्हन के भेष में कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे मेरी बन्नो रानी को। अपनी भाभी के चेहरे पर खिली खुशी देखकर ननद की आंखें भर जाती है और वो कहती है, भगवान आप जैसी भाभी सबको दे। गरिमा भाभी, आपने अपनी ननद का घर बसाने के लिए अपने भूख प्यास को भुलाकर दिन रात कठोर मेहनत की, इसीलिए आपकी ननद आज दुल्हन बनी खड़ी है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ भाभी, जो मुझे माँ जैसी भाभी मिली। अपनी ननद की बात सुनकर गरीब भाभी की पलकें भीग जाती है, जिसके बाद लड़के वाले बारात लेकर उसके घर आते हैं और 7 फेरों के साथ गरिमा की ननद की शादी हो जाती है। जाओ निकिता,
इस गरीब भाभी की दुआ है कि तुम्हारा नया संसार खुशियों से भरा हो। अपना ख्याल रखना भाभी। आखिरकार गरिमा ने अपनी सास को दिए वादे को खराई से पूरा किया, मगर अभी उस गरीब भाभी के कदम कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि उसके सर पर बूढ़े ससुर की भूख मिटाने की जिम्मेदारी अभी बाकी थी। वो आज भी बिना रुके बिना थके मेहनत किए जा रही है।